सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान देखना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री। कासगंज में हाई अलर्ट पर कासगंज पुलिस, गोतस्करों पर एसपी की रणनीति। जबलपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही, लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में शराब के नशे में सरकारी ड्राइवर ने किया हंगामा, हुई कार्यवाही, किया गया सस्पेंड। गाजीपुर में छात्रों के दो गुटों में झगड़े के दौरान चाकूबाजी, शाफैज पब्लिक स्कूल कैंपस का मामला। कौशाम्बी में दहेज हत्या के आरोप में पति को उम्र कैद। भवानीखेड़ा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, संगठन विस्तार को लेकर हुई चर्चा। चरखी दादरी में ब्लॉक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में एसडीएम और डीआरएम ने की शिरकत। सीतापुर में दबंगों की दबंगाई, गरीबों पर पड़ रही भारी, दबंगई के चलते गरीबों पर हो रहा अत्याचार। इंडोन ग्रामीण में विधवा महिला की जमीन पर दबंगों की नजर, दबंग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। जबलपुर में कैब चालक के साथ हुई मारपीट, थाने का घेराव कर किया जमकर हंगामा। गाजीपुर में आयुष्मान भारत का उद्घाटन, 51 पात्रों को विधायक ने बांटे गोल्डन कार्ड। गाजीपुर में जेल में डीएम एसपी ने की छापेमारी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। शाहबाद में चला सफाई अभियान।